वेसेक्स के बेटे और बेटियों, हम जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं, पर जैसे अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है, वैसे ही जिंदगी मौत के ऊपर फतेह करती है। हमें यह विश्वास करना होगा। दुनिया इन हमलावरों को खतरनाक योद्धाओं के रूप में जानती है, लेकिन वो भी इंसान है, बिल्कुल हमारी तरह। हम उनका भी खून बहाएंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उनको हराना नामुमकिन है। शैतान अगर सामने आ जाता है तो आप हार नहीं मानते हैं, आप उससे डरते नहीं है। हमारे पास एक चीज है जो पेगन के पास नहीं है, हमारे पास यीशु है, हमारे पास ईश्वर है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप ये लड़ाई हार जाएंगे। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आगे बढ़े, दुश्मन से मुकाबला करें, अपने और अपने ईश्वर पर भरोसा करें, या फिर हम मार काट से बचने के लिए दुश्मन से समझौता कर लें। पर आपको बता दूं, मेरा इरादा शैतान से समझौता करने का बिल्कुल नहीं है। चिचिस्टा में बनी अपने बैरक्स तक जाएंगे, जहां समंदर हमारे साथ होगा और हम लड़ेंगे। अब यही रास्ता है। वेसेक्स अपना सर किसी के सामने नहीं झुकाएगा। वेसेक्स हमारे देश के बाकी राज्यों को रोशनी दिखाएगा, उम्मीद की रोशनी, आजादी की रोशनी। हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरा ये आपसे वादा है, और इसे पूरा करने के लिए मैं अपने शरीर को मिट्टी में मिला दूंगा। वक्त आ चुका है, हम अब डर के नहीं जिएंगे, हम अपने डर का सामना करेंगे। ये पल अब हमारा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। ये जल्द ही जीतेंगे।